So you guys, welcome back to my YouTube channel. This is Nitin Parikh and you are watching DNP Vlogs. So सबसे पहले तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो. I want subscription. यार जरूरी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. आते आते इसलिए बोल रहा हूँ कि जाते जाते मुझे पता है कई लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है. तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे एक्चुअली कुछ क्या कुर्ता पजामा सिलवाना है करोल बाग से. तो जा रहा था मैं तो सोचा साथ में लेता चलूँ आपको. तो आ जाओ बाइक पर बैठते हैं पहले. तो जी आप आ गए अभी बाइक पे हैं जी. तो व्यू अच्छा आ रहा होगा जी. तो जी एक बात कहनी थी जी, आज दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया है. सच्ची बात, आज इतनी ठंड, मतलब ठंडी हवा चल रही है, मौसम पूरा बारिश का सा हो रखा है. अभी 10:45 हुए हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडी हवा चल रही है एकदम. ऐसे मुंबई में तो पिछले 5-6 दिनों से हो रही है बारिश. होप सो दिल्ली में भी आए, जल्दी आए, गर्मी दूर भगाए. क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो गर्मी थी वो अनबियरेबल थी भाई, सच में. तो ये सामने आपको टीवी टावर दिख रहा होगा, टावर, इसको टीवी टावर कह रहे हैं. ये एनएसपी में है, नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली. ये बेसिकली मेरे हिसाब से दूरदर्शन वालों का है शायद. तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. वैसे तो मुझे आज मेट्रो से जाना था, पर इतना अच्छा मौसम और बाइक ना निकले हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए. सुहाना सफर आगे नहीं गाऊंगा. टोपी लाए आ जाएगा ना ठुल्ले जी, आज हमको ठुल्लों से कोई डर नहीं है. ये सीधा निकल जाता है एनएसपी रानीबाग की तरफ, इधर से राइट से, और ये सीधा मैं अभी जा रहा हूँ करोलबाग की तरफ. अब डर एक चीज का है, पर दिक्कत ये है अगर बारिश आ गई तो बैग भीग जाएगा. क्योंकि बैग मैं वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब वाटरप्रूफ है पर वो वाला मैं लाया नहीं हूँ. पता नहीं क्या ही दिमाग में आई मेरे, मैं ये वाला बैग उठा के लिया. पता नहीं कैसे क्या. वैसे लग तो नहीं रहा कि बारिश आएगी, अगर आती भी है तो फिर मैं अपना बैग मान्यवर, मतलब मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, मैं अभी मान्यवर जा रहा हूँ. मान्यवर करोलबाग वाली ब्रांच में मेरे भैया हैं, मतलब हैं, मतलब है. मान्यवर से क्या रिश्ता है वो ऐसे हम बता नहीं सकते, पर है बहुत अच्छा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है. तो अभी मैं मान्यवर जा रहा हूँ, मान्यवर से कुर्ता पजामा एक लेना है, फिर मुझे कहीं और से कुर्ता पजामा सिलवाना है. तो सिलवाते हैं, लेते हैं, फिर आते हैं. फिर मेरा एक और चक्कर लगेगा करोलबाग का, जिसमें मुझे अपने लैपटॉप पे लेमिनेशन करवानी है. वो लेमिनेशन कैसी है वो मैंने ऐसी मस्त सोच रखी है, वो जब करवाऊँगा तभी दिखाऊँगा. और छोटा मोटा बाइक का काम है, छोटा मोटा बाइक का काम है, वो करवाएँगे. तो अभी मुझे पता चला है कि पार्थ और ईरा वो भी करोलबाग के आसपास ही है. अगर मतलब अभी घर से निकलने से पहले फ़ोन आया था, अगर हुआ कहीं पे तो उनसे भी मिलते चलेंगे. सो गाइस अभी करोलबाग पहुंच चुके हैं, यहाँ से मुझे राइट जाना है. राइट में है गफार, गफार बाइक खड़ी करके पार्किंग में, फिर जाना है मान्यवर. दिक्कत ये हो चुकी है कि पहले जिस रोड पे मान्यवर है, जिसको अजमल खान रोड कहते हैं, वहाँ पे बाइक्स कार जाती थी, पर अब गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं करेगा वहाँ पे, मतलब इलीगल है वहाँ बाइक वगैरह ले जाना, चलाना वगैरह कट सकता है. इवन तो जो शॉप्स वाले हैं जिनके शॉप वगैरह हैं वहाँ पे, वो भी अपनी बाइक और कार नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो वॉकिंग पब्लिक होती थी जो सामान वगैरह ख़रीदने के लिए, उनकी भीड़ वगैरह के बीच में कार वगैरह ले जाना तो भीड़ ज़्यादा लगती थी. अब वहाँ पे इतना अच्छा बना दिया है, पूरा बेंच वगैरह लगा के, अच्छी बात है. मतलब जो शॉपिंग करना है वो अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं बिना भीड़ वगैरह में घुसे करे, बहुत अच्छा बनाया है. अभी चलते हैं तो दिखाता हूँ. हो जा चलो जी. नहीं जी, पार्किंग भी खाली पड़ी है पूरी,
इसी रोड पे सीधा जाएंगे तो आ जाएगा अपना बाइक मार्केट, जहाँ शायद आज नहीं जाएंगे क्योंकि भाई की एकेडमी भी काफ़ी टाइम होने को है, मतलब 11:15 हो चुके हैं अभी। भाई को 3 बजे के आसपास एकेडमी जाना है, ये पार्किंग यहीं पे लगानी पड़ेगी शायद। सो यहाँ पे अभी मैं और भाई आ गए हैं करोलबाग वाले सर रोड पे। एक बात नोटिस करी, दोनों की टी शर्ट्स एक कल ही लाए थे, मॉल मूवी देखने गए थे तो मूवी ऐना वाला देखने गए थे तब ले गए थे। तो इस रोड की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे बाइक्स वगैरह लगानी है, पूरी ऐसे बेंच वगैरह लगा के पूरी कर दी है। पहले यहाँ पे बाइक्स वगैरह मतलब गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे पूरी गाड़ी वगैरह खड़ी रहती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी अपन आने के बाद में भी जा रहे मान्यवर, मान्यवर के बाद भैया जो मेरे रोहित भैया और राहुल भैया है उनमें से किसी के साथ ही जाऊँगा मैं वहाँ पे कुर्ते पजामा वगैरह देखने के लिए। एक मान्यवर से लूँगा, एक कहीं और से लेना है, वो भैया दिलवाएंगे। बाल इग्नोर करना, पसीना इग्नोर करना, गर्मी में ऐसा ही होता है। I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. अबे लोग तो आज हो सो, एक मिनट, अब ठीक है। होप सो आज आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, जो थोड़ी बहुत व्यूज सिनेमेटिक लेने की मैंने कोशिश करी अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज तू बोलेगा। आई होप आज का भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना है, लाइक से इन्हें सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लिया है तो आसपास वालों से करवाना है। पिछली वीडियो में बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ, वो बटन रेड वाला सब्सक्राइब का, रेड ही अच्छा नहीं लगता, उसको क्लिक करके देखो, अच्छी फील आएगी, करो करो, फ्री है। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।